मंडी चढ़ी हुई है, क्या करें भाई, गवर्नमेंट डंपे चढ़ी हुई है भाई, एकदम गाय गिर गई थी ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओवेस हेयर। तो आज है पहली तारीख जुलाई की और आज है जिलहज की पहली तारीख और जुम्मा भी है। तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ के आते हैं। तो आज का है व्लॉग हमारा पूरी दिन के ऊपर, तो आज हम क्या क्या करते हैं वो आपको दिखाएंगे, तो आप इस व्लॉग के साथ बने रहिएगा। तो आपसे मिलते हैं नमाज के बाद। और अभी वैसे भी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं और 2:45 पे नमाज़ है, क्योंकि हम पढ़ते हैं नमाज़ 2:45 बजे, तो 2:45 बजे नमाज़ है। तो आपसे मिलते हैं नमाज के बाद, और आज हो सकता है मंडी भी जाएँ, तो हमारे व्लॉग के साथ बने रहिएगा। भाई देखो सीन ऐसा है, नमाज़ तो पढ़ ली है मैंने और अभी इतना प्यारा मौसम हो रहा था थोड़ी देर पहले, और अभी देखो यार धूप ही धूप आ गई यार, इतना वीआईपी मौसम हो रहा था 10-15 मिनट पहले जब नमाज़ पढ़ने आया था, अब एकदम से धूप आ गई। अब क्या करें, अब मैं घर जा रहा हूँ, तो आपसे मिलते हैं घर जाने के बाद। हो भाई गर्मी, शो वाली गर्मी हो रही है ख़तरनाक। ओह ये कौन आ गया, कहाँ से आते हैं? अबे ये कौन है, ये कौन है भाई, ये कौन है? अरे तो आप शक्ल तो ऐसे छुपा रहे हो जैसे कोई लड़की वड़की अपनी शक्ल छुपाती है, खूबसूरत लड़की। खत्म दे। लड़ो लड़ो ये हरामी हो। अच्छा ये बताओ किसकी एक्टिंग कर रहा है? हमारे घर में ना एक बच्चा आता है, वो गली का ही है, छोटा था, तो वो जो है ना ऐसे चलता हुआ आता, अभी भी ये जो एक्टिंग कर रहा था ना, ये उसकी एक्टिंग कर रहा था। दिखा मेरे हाथ पे देना इसको, दिखा दिखा, इधर दे इधर दे इधर दे इधर दे, इसकी शक्ल देखो देखो, लड़ी ऐसा लग रहा है जान से मार देगा। ये क्या कह रहा है, इतनी धार आ गई है इसकी चोंच में, इसको लेके आ तेरा तेरा काट रहा है, काट रहा है, काट 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 काट, काट। शेर बन रहा है तू ये कैमरा देख के, हैं बंद कर दूंगा, खोलूंगा भी नहीं कभी जिंदगी में। सरफ डालो, सरफ डालो, जल्दी जल्दी सरफ डालो, निलाओ निलाओ गाय को, निलाओ जल्दी जल्दी निलाओ। वलीद भाई मुंह भी नहीं धोया तुमने, गाय को निला रहे हो तुम। है भाई ये है बछड़ा, तो इसकी जो बछड़ा है ना, इसकी एक बछिया है इसकी, इससे इसकी शादी करा देंगे ताकि मामला हो जाए सेट। अभी निका वाले माजिद भाई को बुला के इमाम साहब को बुलाएगा तू बछड़ा और बच्चे के निकाह करने के लिए है। गाय को निला रहे हैं अभी, अभी गली में बहुत कम जानवर आए हैं, अभी 5-6 और जानवर आएंगे अभी, बल्कि ज़्यादा ही आएंगे, पूरी गली भर जाएगी। ये देखो पीछे पीछे इधर उधर सब तरफ जानवर ही जानवर होंगे, तछला भर गया। अभी जानवर है नहीं यहाँ पे, आएंगे जानवर, अभी एक ही जानवर आया गली में और वो भी निला रहे हैं। आज पहली तारीख है ना यार, जुम्मा भी है, तो अभी इतवार पीर मंगल बुध, फिर आएंगे जानवर बहुत सारे। अभी जो है ना घर से निकला हूँ, क्योंकि मैं तो सो गया था, मुझे जाना था मंडी 9-10 बजे के टाइम जाना था, बज गए 11, मुझे मंडी जाना था, मैं सो गया। अभी जो है ना हमारी मंडी जाने की तैयारी हो गई है, लेना वेना कुछ भी नहीं है, सिर्फ घूमना है, 2-3 दिन बाद लेंगे, तो हो सकता है समझ आ जाए तो अब्बा को बुला लें ले लें। अभी सिर्फ घूमने जा रहे हैं 10 नंबर की मंडी, तो ये लोग सारे तैयार बैठे हैं यहाँ पर मंडी जाने के लिए, तो अभी हम चलते हैं मंडी 10 नंबर। सपाटर बछड़ा आ चुका है हमारी मैदान में, इसका पट्टा मोरा देखो बस तुम।
माशाल्लाह कैटल फार्म के बाहर मौजूद हैं, तो अभी हम जा रहे हैं माशाल्लाह कैटल फार्म के अंदर, इधर के जानवर देखते हैं कैसे हैं कैसे नहीं है। अता भाई, जी भाई, ये जो जानवर हैं जो पीछे बैठे हुए हैं ये बहुत महंगे होंगे हैं। जी, कितने के होंगे आप बताओ? ये पता नहीं भाई जान, ये वाले जानवर बताओ कितने का है? नहीं बताओगे? इधर तो आओ, बात तो सुनो। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। भाई तू बता यार, ये कितने का होगा? भाई कम से कम होगा ये 20-25 लाख रुपए का। बीस पच्चीस लाख रुपए का? क्या कह रहा है? मंडी चढ़ी हुई है, क्या करें भाई, गवर्नमेंट हम पे चढ़ी हुई है। ओ भाई लात नहीं मारी हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से पीछे से। रश तो चेक करो कितना हो रहा है यहाँ पे। शाहरुख भाई मसला ये है, अपने हैदराबाद के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है यार। इलेक्ट्रिक की बात नहीं करो, हमसे कुछ भी बात कर लो, है ना। अभी देखो हम यहाँ पे आए, पहले कैटल फार्म वाले के बाद तो बड़ा नोट है, वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा। परसों पेट्रोल था 235 रुपए, आज 1500 रुपए बढ़ गए, 250 रुपए का दलवा कर आए भाई मंडी हम। अब क्या करे, घूमने जब के क्या करे, एंजॉय भी तो करना है ना भाई। अब मंडी के अंदर इन्होंने किया हुआ बिल्कुल ही अंधेरा गुप, ठीक है। ये जनरेटर पे पेट्रोल, मतलब जनरेटर में पेट्रोल डलेगा तो चलाएंगे ना लाइट है, इन्होंने आधे सेवर बंद किए हैं ताकि जो ना जनरेटर पेट्रोल कम पिए। अब हम क्या करें इसमें, हमारी क्या गलती है? जानवर महंगा है, 18 लाख 15 लाख 10 लाख, क्या करें, फ्यूल चल रहा है, यही तो मसला है, यही तो मसला है। पेट्रोल सस्ता करो, सब सस्ता हो जाएगा, क्या करें भाई। ये आए अभी और अंदर की तरफ, ये कुछ लगे हुए हैं यहाँ पे शामियान है, देखते हैं कुछ और नए जानवर। वो पीछे वाले तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे ना, मतलब क्या करें। अब बात करे तो बंदा कोई बात करे ना, 25 लाख 30 लाख बात कर रहा है। अब इतना महंगा जानवर लेके घर लेने जा रहे, प्लाट ले रहे हैं क्या? प्लाट भी 5 लाख का मिल रहा है, साइड एरिया में लोगे तो। ये तो इतने महंगे महंगे जानवर दे रहे, क्या करे, हमारी क्या गलती है यार भाई? ये एक नंबर लाल है। लाल है। ये ब्लैक वाला चेक करो यार, ये ब्लैक ब्लैक पाक की कुदरत देखे आप। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ब्लैक वाला ओपी लग रहा है ना, यकीन करो इतना प्यारा जानवर लग रहा है ये, मैं क्या बताऊँ। तो भाई अभी हमने इसके पैसे पूछे हैं, इसके हैं 10 लाख रुपए, 10 नंबर मंडी में खड़ा हुआ जानवर, फाइनल बिल्कुल 10 लाख रुपए। बाकी आप भाई से आके बात कर लो, ये भाई होंगे यहाँ पे जिसको भी चाहिए ये ब्लैक वाला जानवर, मुझे तो बड़ा पसंद आया। जो जानवर है इनके, और भी बहुत सारे जानवर हैं। ये मंडी के अंदर एंटर हो गए ना, शुरू में ये झालर लगी हुई है इसके नीचे खड़ा हुआ, ये ब्लैक वाला बड़ा प्यारा जानवर है। जानवर का सौदा चल रहा है अभी, ये वाले जानवर का सौदा चल रहा है अभी भाई से। ये पीछे भाई खड़े हैं, ये लोग सौदा कर रहे हैं, तो हम भी खड़े हो गए यहाँ पे देखने के लिए कि कैसे होता है सौदा। भाई कहाँ गए शाहरुख भाई? शाहरुख भाई मसला ये है, मंडी के अंदर जानवर मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, अब क्या करें अपन भाई? माशाल्लाह से जानवर तो तकरीबन बिगी रहे हैं। हमारे नुमान भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। भाई इनको पहले आप बोलो, उवैस हेयर के नाम से यूट्यूब चैनल है, और भाई को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भाई मेरा हाथ जो है ना मोबाइल ये, अस्सलाम वालेकुम। जी शाहरुख भाई फरमाओ भाई, हाँ भाई सबको सब्सक्राइब करना है, उवैस हेयर के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। भाई अस्सलाम वालेकुम भाई नुमान भाई ने 1.5 लाख रुपए लगाए जानवर के, वो जानवर कैसा था? गुलाम भाई ने और इन्होंने 1.80 लाख लगाए तकरीबन था, जानवर खूबसूरत था पर मंडी बहुत आई चल रही है। अच्छा भाई मंडी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे मुझे, जरा सिर्फ इतना सा ये बताओ कि मंडी कैसी चल रही है? मंडी तो आसमान से बात कर रही है, बकरे तकरीबन 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए के। हाँ तो बकरे तो छोड़ दो ना, बकरे तो भाई बकरे तो अपने लिए है ही नहीं ना, 4-5 मन का जानवर कम से कम 4 लाख रुपए तक का मिल रहा है। अच्छा भाई मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तकरीबन एक अंदाजा यार, माशाल्लाह सुभान अल्लाह यार क्या जानवर है, पूरा वाइट हो रहा है, बिल्कुल ही वाइट ना, कहीं पर भी ब्लैक धब्बा भी नहीं है ना, यकीन करो कपड़ा बिल्कुल ना, ये दोनों जानवर यकीन करो ऐसे हो रहे हैं। VIP अभी इनसे पैसे पूछते हैं कितने का है ये ना एक जानवर। ओए माशाल्लाह दोनों वाइट हो रहे हैं, बिल्कुल वाइट। अभी मैंने इन दोनों जानवरों के पूछे पैसे, ये दोनों जो खड़े हुए ना यहाँ पे, एक वाइट वाले फुल वाइट है ना, बिल्कुल ही वाइट, मतलब जैसे मैं कपड़े पहना हूँ ना ऐसे वाइट जानवर है दोनों। मैंने भाई से पैसे पूछे तो इन दोनों जानवरों के हैं 10 लाख रुपए, मतलब आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो, अब एक पाँच का और दोनों बराबर ही हैं, और माशाल्लाह से इतने वाइट है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। ओए होए शपाटर, ये बना हुआ है कोई नस्ली कैटल फार्म, इसके अंदर चलते हैं देखते हैं जानवर। यार यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई खूबसूरत जानवर है, VIP है, मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं जानवर।
लाइट है नहीं, जनरेटर चल रहा है पेट्रोल, कोई मसला। सुभान अल्लाह यार, ये वाली बच्चा देखो जरा, जरा जरा माशाल्लाह। वो एक आई है ना सबसे छोटी बचिया, पाकिस्तान की सबसे छोटी बचिया, उसी टाइप की लग रही है, लेकिन थोड़ी बड़ी है कद में, है ना शाहरुख भाई। और हमने अभी इस बचिया के, बचिया बछड़ा है, बछिया के पैसे पूछे हैं, इसके मांग रहे हैं 12 लाख रुपए। वो एक आई है ना सबसे बड़ी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बचिया, उसी टाइप की है, मतलब उससे थोड़ी सी बड़ी है कद में, इसके मांग रहे हैं ये अपना 11 लाख रुपए। नंबर बड़े प्यारे लगे हैं इनके पास ना, माशाल्लाह से नई कलेक्शन है ईद की। ये जितने भी जानवर खड़े हैं ना मेरे पीछे देखो, ये सारे माशाल्लाह से कपले जानवर हैं, VIP खूबसूरत जानवर हैं, और इन सबके जो है ना 10 लाख 12 लाख 15 लाख, मतलब 9-8-10 लाख से स्टार्ट है ना इसके। क्या केटल फार्म का नाम है? सैयद अब्दुल खालिद। क्या नाम है मूसा भाई केटल फार्म का? मैं गलत ले रहा हूँ तो? भाई सैयद अब्दुल खालिद केटल फार्म का नाम है, लेकिन बाहर जो मैंने पढ़ा था वो लिखा हुआ था सुभान अल्लाह, अब अंदर इन्होंने क्या नाम लिख दिया वो मुझे नहीं पता। बाकी जानवर इनके पास बड़े शो खड़े हुए, सबसे अच्छे जानवर मुझे यहाँ पे दिखे, और एक वो मंडी के अंदर अंदर जो कपड़े थे ना दो वो दिखे, वो है ये बाहर के साइड पे जो है ना सारी ब्यूटियाँ खड़ी हुई हैं, ब्यूटियों से मतलब समझते हो ना आप, खूबसूरत जानवर VIP। अभी मैं अंदर आया हूँ तो अंदर ये मुझे 3-4 जानवर दिखे हैं, ये है, ये वाला है कम से कम 35 लाख रुपए का, और ये पता नहीं कितने का, इसके पैसे नहीं पूछे। बाकी ये हैं गोश्त के पहाड़, कहते हैं ना गोश्त के पहाड़ जो होते हैं खतरनाक जानवर, ये खड़ा होगा जब आपको दिखेगा ये बहुत बड़ा जानवर है ना, मतलब अभी देखो मैं सामने से दिखाता हूँ इसका साइज देखते हैं, ये देखो ये इतना बड़ा जानवर है, ये उसके पीछे जो खड़ा हुआ वो भी माशाल्लाह से बहुत क्लास जानवर है, कलर उसका थोड़ा सा मतलब मैट टाइप है, लेकिन बहुत बड़ा जानवर है और महंगा भी है, मतलब ब्यूटी से हटके खड़े हुए हैं बड़े जानवर हैं ये। बाकी ये बाहर खड़ी है सारी ब्यूटी, 3 से 4 घंटे के अंदर हो गई हालत खतरनाक, ठीक है। अभी हमारा एक बंदा खो गया, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ये सारे खड़े हो गए यहाँ पे लाइन से। मिल गया मिल गया मिल गया, कहाँ है सर, कहाँ है? अबे यार, अबे यार बाबू 70 कहाँ गुम हो गए थे तुम भाई? अंदर ही था, आप लोग बाहर आ गए थे। अच्छा अंदर ही था तुम, हम तुम्हें बाहर ढूंढ रहे हैं, तुम मिल ही नहीं रहे हो हमें, धोती है यार। क्या हुआ भाई, एकदम गाय गिर गई थी, गाड़ी में डाला। अबे गाय गिर गई क्या? क्या हो गया? खड़ी हो गए, पानी वानी डाला माइल्ड, इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया। हाँ भाई मेरे को भी यही लग रहा है, पानी डाला ना इसके, ठंडा होएगी ना थोड़ी, सेट हो जाएगी ये। अरे ये अभी तो 3 घंटे मंडी घूमने के बाद हमने एक बंदे को घेर लिया है, वो बंदा मुझे कह रहा है कि मैं आपको पिलाऊंगा कोल्ड ड्रिंक, बल्कि मुझे नहीं, जितने भी हमारे साथ आए थे उन सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, उसका नाम है मूसा, तो ये भाई हमें पिलाएगा कोल्ड ड्रिंक, अभी ठंडी ठंडी चिल करके कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।